सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तुम्हें जो भी करना है बाद में करना, अभी वक्त नहीं है, मेरे साथ चलो जल्दी। जुल्फ़लु इस्माइल पाशा का जमात के साथ क्या ताल्लुक है? ये बात मुझे परेशान कर रही है तहसीन पाशा। हमें कठपुतली की नहीं, उसकी डोर चलाने वाले हाथों की तलाश है। हमारा असल हदफ कठपुतली को चलाने वाले हाथों को काटना है पाशा। मकतब में बशीर साहब के अलावा और मुहाफिज भी होंगे, वो खुद को जाहिर किए बगैर आपकी हिफाजत करेंगे। बस हमारी यही एक शर्त है नाइम, कबूल है। हमारे दिल में सिर्फ गुल जमाल है, और अगर आपको कोई और उम्मीद है तो उससे दस्तबरदार हो जाइए। सुल्तान मौजम, उसे खाने में जहर दिया गया था, जिसने ये किया है हम उसे तलाश कर रहे हैं। हमें भी यही लगता है कि उन पर बहतान लगाया गया है। अगर इसे साबित करने के लिए छोटा सा भी मौका मिला तो हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। वो आदमी जिसे आप अस्पताल लेकर गए थे, जवाद, हम चाहते हैं कि आप उसे कत्ल कर दें। मैंने हर जगह मालूम किया है, कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन उस जहाज की फहरिस्त में रुबीना का नाम है जो आज पाए तख्त से जा रहा है। महमूद जलालुद्दीन पाशा पे मुकदमा चलाया गया और हमने उनका फैसला किया, ये मामला अब खत्म हो चुका है। शादी हमें आपसे करनी है, वालिदा ने नहीं, हम पसंद करते हैं आपको हर चीज से बढ़कर। उन्होंने धमकी दी? हाँ, उन्होंने मुझे धमकाया, कहा कि अगर मैंने खाने में जहर ना डाला तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। गुस्ताफ साहब और इस्तर खातून दोनों को कल हमारे हुजूर हाजिर कीजिए। महमूद बाबा, हमारी सजा कब खत्म होगी? अल्लाह अल्लाह, ये कैसी आवाज है, वुज वुज वुज, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान के पास मक्खी भी बिना रही है, वुज वुज वुज। मक्खी नहीं है महमूद बाबा, मोनिका हूँ मैं, आप भूल गए मुझे? आप हमें कब माफ करेंगे महमूद बाबा? मैं आपको कतन माफ नहीं करूंगा, आप दोनों ने मुझे बहुत परेशान करके रख दिया है, जो भी दिल करता है करती रहती हैं, मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं, अब मैं आपको सबक जरूर सिखाऊंगा। हमने जो कुछ किया वो आपकी इज्जत के लिए किया, आप जैसे अजीम शानदार और काबिल एहतराम पाशा को वो इज्जत मिलनी चाहिए जिसके मुस्तहिक है। आप तो कुछ बोले ही मत सकीरा साहिबा, आपने कई दुकानों के शीशे तोड़ दिए हैं, अब सजा मिलेगी। आप दोनों एक पांव पर पूरा एक घंटा खड़ी रहेंगी, खाने की भी इजाजत नहीं। महमूद बाबा, भूख से मर जाऊंगी मैं। आपने जो पहले खाया है उसी पर इत्तेफाक करें मोनिका साहिबा, जो पहले खाया है पहले वो हजम करें, ये सजा है। होटल से बड़ी इतना शानदार नाश्ता मिला है, मैं भूख से मर जाऊंगी सकीना। रुको मोनिका, सबर करो, हिम्मत मत हारो। आज तो नाश्ता बेहतरीन है, तुर्क कहवा भी बहुत मजेदार है, तुम दोनों ने आज बहुत कुछ गंवा दिया है, अब पता चलेगा। मोनिका, मोनिका आंखें खोलो। मोनिका,
आंखें खोलो। मोनिका, आपने अपनी बहू को भूखा मार डाला। क्या कोई सुसर ऐसा करता है क्या? मोनिका बेटी, तुम ठीक तो हो? बेटी मोनिका। महमूद बाबा, आप बहुत परेशान हो गए थे ना, हमें माफ कर दिया आपने? नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, कतई माफ नहीं करूंगा। चलो उठ जाओ, अपनी सजा पूरी करो। एक पांव पे, एक घंटे के लिए। बेटी मैं जा रहा हूँ, मेज फौरन साफ कर दो। ये दोनों आज कोई नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करेंगी, समझ गई? यही सजा है। वालिदा, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, प्यारी बेटी। वालिदा, आप इतने दिन से क्यों नहीं आई? मैं मसरूफ थी मेरी प्यारी बेटी, लेकिन फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है अलीस, हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत। बिल्कुल परेशान मत हो अलीस। खलील चाचा। ये आपके लिए है। शुक्रिया खलील चाचा। जाइए अपने दोस्तों के साथ खेलिए, मुझे आपकी वालिदा से कुछ बात करनी है। तो तुम वो खलील चाचा हो जिसका वो इतने प्यार से जिक्र करती है? तुम क्या समझती हो मैं क्यों सबर कर रहा हूँ? मैंने तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हें जिंदान से निकाला, लेकिन तुम मजबूर कर रही हो मुझे। चाहते क्या हो तुम? कहाँ है वो? कौन? रूबीना, मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है, हमें फौरन जोरिस के पास लेकर चलो। ठीक है, लेकिन तुम दोबारा कभी अलीस के करीब नहीं जाओगे। अपनी बेटी को खुद से बचाओ, ना कि मुझसे। इस तरफ जाना है। हम इतनी जल्दी दोबारा आपसे मिलने की तवक्को नहीं कर रहे थे। हमें खुशी हुई आप हमसे मिलने आए। तशरीफ रखिए। मैं कल जब से यहां से गया हूं, उस नाइंसाफी के बारे में सोचता रहा जो आपके शौहर के साथ की गई। बहुत तकलीफ झेली है उन्होंने। क्या आप उन्हें इंसाफ दिलवाना चाहती हैं? हम जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम बेबस हैं। एक जासूस है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ और उस पर एतमाद भी करता हूँ, और वो जासूस भी महमूद जलालुद्दीन साहब के मामले में काफी दिलचस्पी रखता है। अगर आप चाहें तो हम इस मामले की तहकीक कर सकते हैं और इस सच्चाई को बेनकाब करने का फर्ज उस आदमी को सौंप सकते हैं। हमने सुल्तान मौजम से बात की थी, हमने उनसे कहा कि हम इस मामले की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं। फिर क्या कहा? कोई जरूरत नहीं है, इसका नतीजा नहीं बदल सकता। तो फिर आपने क्या सोचा? हम उस जासूस से मिलेंगे जिसका आपने जिक्र किया। सुल्ताना, इस्माइल पाशा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। जब हमने सुना कि आप जमीला सुल्तान से मिलने आए हैं, तो सोचा हम भी आपसे मिल लें। अगर आपने तुर्क कहवा नहीं पिया तो हम बाग में बैठकर एक साथ पी सकते हैं। हम अपने मेहमान से पूछने ही वाले थे, वो हमसे यहाँ मिलने और तुर्क कहवा पीने ही आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहूंगा सुल्ताना।
जव्वाद के बाद अब्दुल हमीद के करीब हमारा कोई भी आदमी नहीं बचा, लेकिन लोग ओहदे हासिल कर रहे हैं। इन तमाम मामलात के बाद अब्दुल हमीद उनसे पूछताछ करेगा। वो अपने करीबी आदमियों का इंतखाब करने में बहुत एहतियात बरतेगा। हम अपने पहले नुकसान के बाद दोबारा इस तरह शुरू नहीं कर सकते बेटा। मैं अच्छी खबर लाया हूं, इसी की जरूरत है, आ जाओ। जुल्फलू ने जवाद को मारने से इनकार कर दिया। क्या ये अच्छी खबर है? मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम? पुरसुकून हो जाएं। वो उस शख्स को अस्पताल भेजेगा जिसे अब्दुल हमीद ने उसका पीछा करने के लिए लगाया है, और आप अपने आदमी को बिल्कुल उस वक्त अस्पताल भेजेंगे जब आपके आदमी ये काम कर रहे होंगे। तो वहां मौजूद तमाम लोगों का ध्यान जुल्फलू के भेजे गए आदमी पर जाएगा। लेकिन हम आधी रात का इंतजार करेंगे, वक्त आ चुका है। मुझे अब्दुल हमीद को उस झूठ पे यकीन करवाना होगा जो हमारे लिए सही है। Arabaya taş koydum, hanımın arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum, hanımım ben bu yola baş koydum. Seni gelecek diye, hanımım seni gelecek diye. Sol yanımı boş koydum, hanımım sol yanımı boş koydum. अजय की दुकान से कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, मुझे भूख लगी है। शुक्रिया। माफी चाहूंगा। बोलो। इसे देखा है? इसका नाम है खलील खालिद। तुम्हें क्या काम है खलील खालिद साहब से? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। कुछ नहीं है नादिर साहब, बताओ क्यों तलाश कर रहे हो उन्हें? मैं खलील खालिद साहब का सिपाही हूं, हम जंग में साथ लड़े थे। मैं यहां यह खबर पढ़ने के बाद आया हूं, मुझे बस उनसे मिलना है। ठीक है, साथ आओ हमारे, ले चलते हैं हम। कहां जनाब? उनके घर, लेकिन हमें नहीं पता वो कब आएंगे। शायद वो जल्द वापस आ जाए। हो सकता है। चलो पहले हम जाकर कुछ खा लेते हैं, फिर वहां चलेंगे। जोरिस, हम यहां से कब जा रहे हैं? मैं जाना चाहती हूं अब। मैं नहीं जानता रुबीना, मैं नहीं जानता। अभी हमें इस मैकडल से भी निपटना है। ये इस तरह कैसे सो सकता है? इसकी बदबू मुझे मार रही है। मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हम कब हमला करेंगे? कल। क्या तुम्हारे पास कोई मंसूबा है? रूसी सफीर खाने की एक दावत पर जा रहा है, वहां हमला करके हम उसे मार देंगे, यह मंसूबा है। और ये हम उसकी लाश के पास छोड़ देंगे। ये क्या है? ये इमरो का झंडा है। तो तुम्हारा झंडा भी तैयार है? यकीनन हम कोई आम ग्रोह नहीं है। हमारा हतमी मकसद कुरुसेवो में एक नई रियासत की तश्कील है। बहुत खूब। तो तुम हो कौन? इससे पहले न कभी मैंने तुम्हारे बारे में सुना और न तुम्हें देखा। जब मैं किसी का साथ देता हूं तो उसे अच्छी तरह से जानता हूं। मैं मक्तल हूं, ना मेरा कोई माजी है ना मुस्तकबिल। मैं सिर्फ और सिर्फ जनाब जालमन के हुक्म का पाबंद हूं।
अगर अब किसी ने मेरी शनाख्त के मुतालिक सवाल किया तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। सुल्तान मुअज्जम, मैं तमाम मुकद्दस हस्तियों की कसम खाता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, हम हकीकत जानना चाहते हैं बस। सुल्तान मुअज्जम, बताइए क्या आपने खाने में जहर शामिल किया था? हमें सच सुनना है। मैं गुनाहगार हूं। क्या तुम ये क्या कह रही हो? खातून अपने हवास में तो हो तुम? गुस्ताफ साहब, पुरसुकून रहिए। आपके पास कोई वजाहत है इसकी? आप जवाद को क्यों कत्ल करना चाहती थी? क्या वजह है? मैं मारना नहीं चाहती थी। फिर आपने ये क्यों किया? सुल्तान मुअज्जम, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप अगर मुझे हुक्म दें तो मैं इस औरत को इसी वक्त तलाक दे दूंगा, क्योंकि इस औरत ने यह साबित कर दिया है कि इससे शादी मेरी इज्जत और वकार की मौत है। हाँ। गुस्ताफ साहब, उसे मारने को किसने कहा था? वो मैं अपने बेटे के साथ उस गली से गुजर रही थी जो कुमराची में निकलती है। मेरा बेटा गुरुन काफी खुश मिजाज है, वो रास्ते में मजाक कर रहा था। खातून, वो ये पूछ रहे हैं कि जव्वाद को कौन मारना चाहता है? उन्होंने मकान नंबर 47 के सामने हमें जबरदस्ती रोक लिया। मुझे याद है वो मेरे सामने गुरुन को तशद्दुद कर रहे थे, अचानक सामने आ गए। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने खाने में जहर ना मिलाया तो वो गुरुन को मार देंगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो खाना किसके लिए था। उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया था। मैं भी बेहोश हो गई थी, और जब मुझे होश आया तो मैं मकान नंबर 47 में मौजूद थी दो लोगों के साथ। मेरे सुल्तान, आपको अंदाजा नहीं कि एक माँ अपनी औलाद को बचाने के लिए खुद को खुशी खुशी कुर्बान कर सकती है। मैं जानती हूँ ये मेरी वजह से हुआ, इसीलिए मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। तो मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए उस खाने में जहर मिलाया था। ये कैसी आफत है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एक मिनट, हाँ याद आया, जब मैंने अपने बेटे की हालत देखी तो मुझे गुस्सा आया। मुझे बताया गया कि उसकी रकम छीन ली गई है। मेरे बेटे के मुतालिक मुझे भी लाइम रखा गया। तो बताइए, क्या यह सच है कि आपको अगवा किया गया था? जी सुल्तान मुअज्जम। आपको किसने अगवा किया था? मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन वो रोमन बोल रहे थे। ये वाकया कहां पेश आया? कुमराजी की गली में। ठीक है, आप जा सकते हैं। सुल्तान मुअज्जम, आप जो सजा देना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। हमें माफ कर दें। खामोश हो जाओ। चूंकि इन्हें मजबूर किया गया था इसीलिए ये करना पड़ा। आपके लिए कोई सजा नहीं है। आपका वकार और रहम दिली बेमिसाल है सुल्तान मुअज्जम, लेकिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब मैं मजीद यहां नहीं रह सकता। अफसोस तो इस बात का है कि हमारी वजह से आप पे मुश्किल आई, इसलिए जाने दें हमें। आप फरार होना चाहते हैं गुस्ताफ साहब? नहीं, आपको अभी बहुत काम करने हैं। चूंकि ऐसा खौफनाक वाकया
आपके खानदान को हमारी वजह से बर्दाश्त करना पड़ा, इसलिए इस वाकये की पूरी जिम्मेदारी हम खुद कबूल करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप जल्द ही अच्छा महसूस करेंगी। शुक्रिया। ये देखिए बच्चों, आप सबके लिए है। आराम से बच्चों, आराम से, आराम से, आराम से। बच्चों को खुश करना बहुत आसान है। यह ईसाई खुफिया तंजीम का एक तरीका कार है। पहले ये सबके दिल फतह करते हैं, फिर रूह फतह करते हैं। यह आदमी विलियम स्मिथ एक बरतानवी है। यह मुसव्वरी सिखाता है बच्चों को, और मैंने इसे कुछ तलबा से खुफिया मुलाकातें करते हुए देखा है, लेकिन मैं सुन नहीं सका कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए खड़ी हो जाइए। आप ठीक हैं? दर्द हो रहा है। कहाँ लगी है? आपका तो खून निकल रहा है। चलिए आपको शिफा खाने ले जाते हैं। हाँ चलिए। वो औरत फरार हो गई है जनाब। वो नहीं जा सकती ततार, वो आएगी और वो मुझे बताए बगैर एलिस को नहीं ले जा सकती। आप सही कह रहे हैं जनाब, वो आ रही है। अब आप जा सकते हैं, ये लीजिए। तुम कहाँ थी? अब मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती। बहरहाल सुनो, उस कोने की तरफ जाने के बाद पहला मकान है। ठीक है, तुम यहाँ से सीधा हमारी जगह जाओगी। नहीं, मैंने वही किया जो तुमने कहा, जाने दो मुझे। मैंने ये कहा था। देखो खलील, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो दोबारा एलिस को नहीं देख पाओगी। जनाब क्या वो आपको पहले से जानती है? वो जानती है मैं किसी माँ को बेटी से दूर नहीं रख सकता। तो क्या हम अंदर दाखिल नहीं होंगे? हम इंतजार करेंगे तातार, हम मालूम करेंगे कि वो यहाँ क्यों रह रहे हैं। आ जाएं। शहजादी। कहिए मेजियत, क्या हुआ? गुज़िश्ता रात मैंने आपको बाहर जाते हुए देखा। आप यहाँ ये पूछने आई हैं कि हम कहाँ गए थे? मेरी ये मजाल कहाँ शहजादी? आपकी ये घड़ी बाग में गिर गई थी, मैं पहले ही इसे लाना चाहती थी लेकिन आप मसरूफ थे शहजादे। शहजादे, मैं आपके लिए खाना लाई हूं। बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए शहजादे, खाने से लुत्फ अंदोज हूं। मैजियत जी, आपका बाजू कैसा है? आप क्या इसमें अभी भी दर्द है? अब पहले जितना नहीं है। आपकी पूछने का शुक्रिया शहजादे। क्या हुआ है पाशा? हम उसे बचा नहीं सके। बज़ाहिर ये जहर मोहलिक नहीं था लेकिन इसने पेचीदगियां पैदा कर दी थी। जब तक आप यहां हैं इस तरह जाहिर करें जैसे इलाज चल रहा है,
और जाते वक्त कहिएगा कि उसकी हालत बेहतर हो रही है। सिपाही मरने वाले को दूसरे कमरे में ले जाएंगे। किसी को मालूम ना हो कि वो मर गया है। उस कमरे में कोई भी दाखिल ना होने पाए, समझ गए आप? पाशा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसा मैंने कहा है आप वैसा ही करें। यह मामला संगीन है। अच्छी अदाकारी की तुमने। जो कुछ भी मैंने वहां कहा वो झूठ था सालमान। क्या वो यकीन करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा, वरना वो तुमसे तुम्हारा फरीदा छीन लेता। अगर उसे यकीन ना आया तो जांच पड़ताल करेगा वो। इस सूरत में एतमाद हासिल करने के लिए तुम्हें ज्यादा बेहतर झूठ बोलने होंगे। आपके घुटने में चोट कैसे लगी? भागते हुए गिर गई थी। दरअसल जनाब विलियम बच्चों को मिठाइयां तकसीम कर रहे थे। और आपको वो मिठाई चाहिए थी, है ना? जनाब विलियम कब से यहाँ है? वो 3 माह कबल आए हैं। बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, अच्छे अखलाक के हैं। जहाँ तक मैंने देखा है वो बच्चों के लिए तहाइफ और किताबें लाते हैं। बच्चे उनसे प्यार करते हैं। अपनी पट्टी मत उतारना, कल आना मैं इसे बदल दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ये मेरा फर्ज है। चले आ जाइए। मोहतरमा, ये आपके लिए है। हमजा से निजात हासिल करो। सकीना, इस केक को देखकर ममूद बाबा हमें माफ कर देंगे। हम उनके लिए बड़ी परेशानी की वजह बने हैं। ये मेरी गलती है, गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और सब कुछ तबाह कर दिया। सकीना, तुम मुझे बचाने की कोशिश करी थी, ऐसा नहीं है। अब खुद को इल्जाम मत देना। एक बार ममूद बाबा ये केक खा लें, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सकीना, तुमने मेज पर हाथ क्यों मारा? डरा दिया मुझे। मैंने एक बड़ी मक्खी देखी, इसीलिए हाथ मारा। काश ये ज्यादा खराब ना हुआ हो। बेटा, यहाँ कोई आया तो नहीं था? बेटा मैं अंदर जा रहा हूँ, किसी को भी मुखर मत होने देना, ठीक है? मोनिका, सकीना साहिबा, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ममूद बाबा, आप हमें माफ कर दें, इसलिए हम केक लेकर आए हैं। तो ये इस तरफ से कटा हुआ क्यों है? यहाँ आते हुए रास्ते में इसमें से खाया था तुमने? ममूद बाबा, आप नाइंसाफी कर रहे हैं बहुत। इसे खाने से मुश्किल से रोका खुद को मैंने। ये तो वाज़े है कि कुछ किया है इसके साथ आपने। झूठ मत बोलो मोनिका, तुम खुद को नहीं रोक सकी और इसमें से कुछ खा लिया है ना? भूख लग रही थी मुझे, थोड़ा सा खा लिया मैंने, माफ कर दे मुझे। क्या मैं नहीं जानता? मैं बिल्कुल जानता हूँ। मैं यहाँ एक दस्तावेज के लिए आया था, एक कागज था, यही रखा था। मैं शायद बूढ़ा हो गया हूँ। अल्लाह अल्लाह, दस्तावेज कहाँ गई? कहाँ गई वो दस्तावेज? मेरी बात सुनो, एक दस्तावेज मैंने यहाँ मेज पर रखी थी, क्या तुम लोगों ने देखी है? नहीं। हाँ, कहीं तहसीन पाशा के कमरे में ही भूलकर तो नहीं आ गया? वहीं जाकर देखता हूँ मैं। लाओ ये केक मुझे दो, वरना मेरी गैर मौजूदगी में चखते चखते पूरा केक ही खा जाओगी। तुम्हारा पेट तो कभी भरता ही नहीं। सुल्तान मौसम, कहिए पाशा,
बदकिस्मती से मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। क्या हुआ है? जवाद मर गया है। तबीब का कहना है कि जहर से उसके जिस्म में पेचीदगियां पैदा हो गई थी। क्या यह खबर फैल गई है? नहीं सुल्तान मौसम, मैंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है। तबीब ये तासुर देंगे कि उसका इलाज अभी जारी है, वो बेहतर हो रहा है। ये तासुर देने के बाद उसे दूसरे कमरे में मुंतकिल कर देंगे। पूरे अस्पताल में हर कोई यही समझेगा कि जवाद उस कमरे में मौजूद है। ठीक है, जवाद बच गया है और जल्द ही ठीक हो जाएगा, ये बात सबको बता दें। जो लोग उसे कत्ल करना चाहते हैं वो जरूर कोई कदम उठाएंगे। मुहाफिजों की तादाद कम कर दें, लेकिन कुछ दयानतदार लोगों को वहां तैनात कीजिए। अस्पताल में जवाद को मारने के लिए कौन आता है वहां, ये बात जानना हमारे लिए नागुजीर है। जो हुक्म सुल्तान मौसम। तो बताओ, तुम खलील खालिद साहब से कहां मिले थे? एक जंग के दौरान, हम याहिया दस्ते के सिपाही थे। खलील खालिद साहब हमारे कमांडर बन गए। हमने सर्मिनिया के मुहाज पे सरहद की हिफाजत की जब हम मेजोवा मुहाज पर थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम फाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठहरो, खलील ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं उसका इंतजार कर सकूं। क्या मैं मजबूर थी? शुक्र है कि तुम ठीक हो। खलील खालिद साहब कब आएंगे? मुझे नहीं पता कि कब आएंगे वो। मुझे अब जाना है। लेकिन कहाँ जाना है तुम्हें? अपने होटल जाना है, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तुम्हें होटल में रहने की जरूरत नहीं है, आखिर तुम हमारे मेहमान हो। अपना सामान ले आओ, तुम यहां भी रह सकते हो। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ। ठीक है। हम रुबीना के अल्फाज पे ज्यादा ही एतमाद कर रहे हैं जनाब। घर खाली भी हो सकता है, हमें देखना चाहिए। हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। देखो वो रहे। लेकिन उनके साथ ये आदमी कौन है? कौन है? कंधे सी चादर वाला शख्स। मैं नहीं जानता, मैं उसे पहली बार देख रहा हूं। कतार टिकट ले आए थे ना? जी हाँ। क्या ये हम वक्त पर कर सकेंगे? अगर वक्त कम भी हुआ तो भी कर लेंगे। लार्स, तुम्हारे पास रुबीना का टिकट है, वो बदरगाह पर इंतजार कर रही होगी। अगर हम इस काम को मुकम्मल नहीं करते तो उसे अकेले जाना पड़ेगा। रुको, यही जगह है। अंदर कौन कौन होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम सबको कत्ल कर देंगे। रुको, क्या हुआ जरा? कोई नहीं उतरा। यहां कुछ होने वाला है तातार, जो भी मंसूबा है यही होगा। लेकिन जरा, ये तो वो जगह है जहां गरीब और जरूरतमंद खाना खाते हैं, वो यहां क्या करने वाले हैं? ये हमें रुबीना बताएगी। चलो कोचवान। चलो हम इस दस्तावेज को साफ वर्क पे नकल कर लेते हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ये जुबान नहीं जानती। मैं कर सकती हूँ, लिखना आता है।
मकतबे तिब में रोजाना की बुनियाद पे मंदरजा ज़ैल अस्बाक पढ़ाए जाएंगे और ये हिस्सा बुरी तरह दागदार हुआ है, पढ़ नहीं पा रही। सकीना, सिर्फ तुम ही पढ़ सकती हो इसे, और तहरीर देखकर तो मम्मूद पापा समझ जाएंगे कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। वाकई मेरी लिखाई बहुत बुरी है क्या? फिर अब क्या करें? अब हमें मम्मूद पापा से कोई नहीं बचा सकता, वो हमें कत्ल कर देंगे। सकीना, शायद वो आ रहे हैं। हाय अल्लाह, मैं उनसे क्या कहूंगी? अब हमें कोई नहीं बचा सकता। आपका दिन अच्छा हो। महमूद पाशा कहाँ है? महमूद पापा नहीं है, यह हम दस्तावेज तलाश कर रहे हैं वो, लेकिन अनजाने में हमसे ये खराब हो गई। बराए मेहरबानी हमारी मदद कर दे। ठीक है, परेशान मत हो आप, लेकिन मैं कैसे मदद करूँ आपकी? आप इसकी नकल तैयार कर सकते हैं, महमूद पापा को पता नहीं चलेगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं। सकीना, आटो ना, वहां से पाशा को बैठने दो। सकीना। हाँ, ठीक है। सुल्ताना। कहिए जुल्फत। मकतब से तबीबा आई हैं, वो हमजा से मिलना चाहती हैं। वो आ सकती हैं। सुल्ताना, आपके हुजूर पेश होना मेरे लिए फख्र की बात है। शुक्रिया बेटी। जुल्फत, हमजा को ले आइए। मैंने हमजा की पसंदीदा मिठाई बनाई थी, उसे पसंद है तो सोचा उसके लिए ले आऊं तो वो खुश हो जाएगा। आपने अच्छा किया बेटी। हमजा कैसा है? उसकी सेहत अच्छी होगी? हमजा ठीक है और उनकी सेहत भी अच्छी है, लेकिन वाहिद मसला उनकी खामोशी है। वो जल्द सेहत याब हो जाएगा। तन्हा रहा था वो सड़कों पर, यकीनन उसे कुछ वक्त लगेगा। बिल्कुल। हमजा, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आपने हमें बुलाया सुल्तान मौसम? बिल्कुल बुलाया है। एक अहम फर्ज सौंपना है हमें एक ऐसे शख्स को जो हमारे एतमाद पर पूरा उतरे। हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। जवाद के बारे में सुना आपने? जी सुना है। वो बच नहीं पाया, मर गया, लेकिन हमारा एक मंसूबा है। हमें यकीन है कि जो लोग उसे मारना चाहते थे वो कातिलों को अस्पताल जरूर भेजेंगे। अगर हम जान लें कि वो कौन है तो हमें उसके पुष्ट पनाही करने वालों का इल्म हो जाएगा। बिल्कुल, हम ये जिम्मेदारी आपके सुपुर्द करते हैं। आप लाश के पास होंगे, आसपास ज्यादा सिपाही नहीं होंगे। हिफाजती इकदामात को कम कर दिया जाएगा ताकि दरअंदाजी करने वालों के लिए आसानी हो जाए। मंसूबा समझ गए हैं सुल्तान मौसम, हम आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हमें यकीन है। सुना है कि जवाद साहब सेहतयाब हो रहे हैं। आपको जल्द अपना इकदाम करना होगा। इस्माइल हक्की साहब जल्द यहाँ होंगे। क्या मैं तसल्ली रखूं कि हर चीज मंसूबे के मुताबिक होगी? मुझे कुछ खरीदारी करनी है, आप इस मंसूबे को इस्माइल हक्की साहब के सर पे डाल दें। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कहिए, मैं सुन रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? आज रात को सुल्तानी मौज़म ने खास दावत रखी है, मुझे भी मधु किया है उन्होंने। अस्पताल में जवाद नामी एक आदमी है, मैं ही उसे लेकर गया था, लेकिन मैं उसे उसकी अंगूठी देना भूल गया था। क्या आप उसे ये अस्पताल जाके दे सकते हैं? जरूर पाशा। लेकिन आप रात 9 बजे वहां जाइएगा, तब तक वो आदमी मजीद बेहतर हो जाएगा। ठीक है पाशा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अंगूठी में जहर है ना? जब आज रात ये पकड़े जाएंगे तो अब्दुल हमीद सोचेगा कि जवाद को इस्माइल हक्की मारना चाहते हैं। फिक्र ना करो। हो गया, देखें। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो बिल्कुल इसी की तरह है। महमूद बाबा को बिल्कुल शक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं भी ये कहना चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। मैं भी खुश हूँ। अब इजाजत दे मुझे। कहीं तलाश नहीं कर सका, न जाने कहां गई वो। महमूद बाबा, ये रही आपकी दस्तावेज। यहां थी। ये वो नहीं। अल्लाह, वो एक अहम दस्तावेज थी, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने वो कहां रख दी है। हाँ, रुको 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 रुको। ये नहीं वो। आखिर मिल ही गई। कसम से मैं बहुत खुश हूं। वाकई अच्छा है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये आप क्या कर रहे हैं बेटा? कौन है बाहर? कौन है? बेचारी नाइमे सुल्तान। अब हम ठीक हैं। शहजादे, 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 आप ठीक हैं?